हजार से ज्यादा कोरोना के केस, 1218 लोगों की कोरोना से हुई मौत। महाराष्ट्र में अब तक की सबसे बड़ी बढ़ोतरी, एक दिन में कोरोना के 1000 से ज्यादा मरीज, कुल संख्या 11506, अब तक 485 लोगों की मौत। गुजरात में भी नहीं थम रहा कोरोना का कहर, 4721 लोग कोरोना से पीड़ित, 236 लोगों की जा चुकी है जान। दिल्ली में 3738 हुई कोरोना के मरीजों की संख्या, अब तक 61 मौत। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल का बयान, बोले बंद नहीं होगा प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल, एक पेशेंट ठीक होकर घर लौटा। यूपी में बड़ी कोरोना के मरीजों की संख्या, अब तक 2328 मामले सामने आए, 42 लोगों की जा चुकी है जान। आगरा में नहीं थम रहा कोरोना का कहर, मरीजों की संख्या 497 हुई, अब तक 14 की मौत। गौतम बुद्ध नगर में भी 24 घंटे में कोरोना के 17 नए मरीज, अब तक 154 बीमार। मुंबई में बीएमसी अधिकारी की कोरोना से गई जान, स्लम इलाके में गरीबों तक खाना पहुंचाने की थी जिम्मेदारी। मध्य प्रदेश में 2700 के पार पहुंचे कोरोना के मामले, अब तक 145 लोगों की जा चुकी है जान। देश में दो हफ्ते और बढ़ा लॉकडाउन, अब 17 मई तक जारी रहेगी पाबंदियां। लॉकडाउन 3 के लिए बनाए गए 3 जोन, मामलों के हिसाब से रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटे जिले। लॉकडाउन 3 में भी जारी रहेगी हवाई, रेल और मेट्रो सेवा पर पाबंदी, ग्रीन जोन में शर्तों के साथ बसें चलाने को मंजूरी। स्कूल, कॉलेज और दूसरे शिक्षण संस्थान पहले की तरह बंद रहेंगे, मॉल, जिम, सिनेमा हॉल पर भी जारी रहेगी तालाबंदी। लॉकडाउन 3 में बुजुर्गों के मूवमेंट पर होगी पाबंदी, 10 साल से कम उम्र के बच्चे भी नहीं कर सकेंगे सफर। यूपी के बांदा में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट को मंजूरी, लॉकडाउन के बीच शुरू हुआ निर्माण कार्य। दिल्ली के जीबी पंत अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ का विरोध प्रदर्शन, स्वास्थ्यकर्मियों ने पीपीई किट और मास्क न मिलने के लगाया आरोप। यूपी के बलरामपुर में बेमौसम बारिश ने दी किसानों को टेंशन, खेतों में कटी पड़ी गेहूं की फसल बर्बाद। बिहार जाने वाले 22 मजदूरों को बंगाल के नॉर्थ परगना में रोका गया, फैक्ट्री बंद होने की वजह से पैदल ही घर लौट रहे थे। झारखंड में घर वापसी कर चुके मजदूरों को मनरेगा के तहत मिलेगा रोजगार, सीएम सोरेन का कैबिनेट की बैठक में फैसला। त्रिपुरा के अगरतला में सीआरपीएफ जवानों ने बांटा राशन, 60 परिवारों को मास्क और कोरोना से बचने के दूसरे उपकरण भी दिए। राजस्थान के पुष्कर में लॉकडाउन के बीच सरकारी जमीनों पर कब्जा, हरकत में आया प्रशासन, अतिक्रमण करने वालों को किया गिरफ्तार। यूपी के पीलीभीत में बाघ की दहशत, गांव के 3 लोगों को किया घायल, पकड़ने पहुंची वन विभाग की टीम पर भी हमला। पंजाब के अंबाला में 9 विदेशी जमातियों को कोर्ट में 14 दिन के लिए भेजा जेल, जमातियों में 8 नेपाल से और 1 श्रीलंका से। दिल्ली के रनहौला में स्वास्थ्यकर्मी के पॉजिटिव मिलने से दहशत, परिवार वालों को क्वारंटीन न करने से स्थानीय लोगों को लगा डर। यूपी के एटा में कोरोना से पहली मौत, अलीगढ़ इलाज कराने गई महिला ने तोड़ा था। पानीपत में लॉकडाउन के बीच नदी पार कराने का झांसा देकर महिला से गैंगरेप, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू किया। रांची में रिम्स का माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट हुआ सील, टेक्नीशियन में संक्रमण पाए जाने के बाद लिया फैसला। यूपी के बिजनौर से अच्छी खबर, 27 कोरोना संक्रमितों की अस्पताल से छुट्टी, अब शहर में बचे 9 बीमार। किशनगंज के एमजीएम मेडिकल अस्पताल में बनी देश की सबसे बड़ी सैनिटाइजेशन टनल, अब मेडिकल आने जाने वाले हर शख्स की होगी स्क्रीनिंग। पंजाब के लुधियाना में कोरोना पीड़ितों का आंकड़ा बढ़ा, नांदेड़ से लौटे 38 लोग पॉजिटिव, कुल संख्या 77 हुई। बीएचयू की लैब 3 दिन तक रहेगी बंद, महिला लैब असिस्टेंट की रिपोर्ट आई थी पॉजिटिव। झारखंड के बाद राजस्थान के बाड़मेर में पुलिस की सख्ती, लॉकडाउन में बिना मास्क घूमने वाले 100 लोगों को किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के रीवा में लॉकडाउन के बीच बिना पंडित के हुई शादी, सोशल डिस्टेंसिंग का रखा गया ख्याल। मध्य प्रदेश के भोपाल से रवाना हुए प्रवासी मजदूर, 70 लोगों को बसों में झांसी भेजा गया। बस में और प्रवासी मजदूरों को लेकर नकली निकली पहली ट्रेन, रिक केलर से भुवनेश्वर के लिए रवाना। जयपुर में फंसे लोगों की भी जल्द होगी वापसी, पटना के लिए प्रवासी मजदूरों को लेकर निकली ट्रेन।
लखनऊ में पुलिस वालों के लिए मंगवाई जा रही है 10,000 पीपीई किट। 33 फ्रंटलाइन पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव। साउथ दिल्ली में भी डीसीपी का पुलिसकर्मियों को एहतियात बरतने का मैसेज, अब तक 45 पुलिसकर्मी हो चुके हैं पॉजिटिव। राजस्थान के धौलपुर में फैक्ट्री बंद कराने को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष, 7 लोग गंभीर रूप से घायल, पुलिस पर भी हुआ पथराव। मध्य प्रदेश खंडवा में 4 जमाती हुए खिलाफ केस दर्ज, जानकारी छुपाने के एवज में लगाई गई आपराधिक धाराएं। मध्य प्रदेश के सीहोर में एक शख्स का जमीन पर थूकने के लिए काटा चालान, जुर्माने के तौर पर थमाई 1,000 की पर्ची। जालंधर के कृष्णपुरा शमशान घाट पर अंतिम संस्कार को लेकर हुआ हंगामा, लोगों ने कोरोना पॉजिटिव शख्स की बॉडी लेकर आई मेडिकल टीम को बैरन लौटाया। पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज में एक शख्स की कोरोना से मौत, 26 अप्रैल को कैंसर के इलाज के लिए हुआ था भर्ती। दिल्ली में एक प्रेमिका को लेकर भिड़े दो आशिक, एक निकला कोरोना पॉजिटिव, प्रेमिका समेत दोनों प्रेमियों का परिवार क्वारंटीन। ग्रीन जोन में ई कॉमर्स को इजाजत, गैर जरूरी सामानों की भी हो सकेगी होम डिलीवरी। देश भर में बनाया गया 130 रेड जोन, 284 ऑरेंज जोन और 319 पर है ग्रीन जोन की संख्या। मेट्रो शहरों को बनाया गया रेड जोन, दिल्ली मुंबई अहमदाबाद समेत पुणे में भी जारी रहेगी सख्ती। लॉकडाउन में फंसे लोगों की घर वापसी के लिए आज से शुरू हुई श्रमिक स्पेशल ट्रेन, गृह मंत्रालय का बयान, रेलवे और राज्य सरकारों पर जिम्मेदारी। राजस्थान के कोटा से महाराष्ट्र के चंद्रपुर में भी पहुंचे छात्र, 3 बसें लेकर आई 53 छात्रों को। महाराष्ट्र के पुणे में एक दिव्यांग ने बेटे को लाने के लिए तय किया 1400 किलोमीटर का सफर, स्कूटर से कराई बेटे की घर वापसी। इंदौर में लॉकडाउन के बीच सलून खोलने वाले 2 लोग गिरफ्तार, चोरी छिपे काट रहे थे लोगों के बाल। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में एक पेड़ पर घंटों बैठा रहा तेंदुआ, किसी को नहीं पहुंचाया नुकसान। झारखंड के रामगढ़ जिले में शराब की भट्टियों पर पुलिस की छापेमारी, भारी संख्या में बोतलों को किया गया नष्ट। जालंधर में एक कोरोना पेशेंट ने खोली अस्पताल प्रशासन की पोल, बोला फोन करके बताने के बाद भी कोई लेने नहीं आया, राजस्थान से लौटा था। रामपुर में नायब तहसीलदार का अर्दली कोरोना पॉजिटिव, संपर्क में सभी लोगों को क्वारंटीन किया गया। सिलगुड़ी के मेडिकल कॉलेज में एक आई स्पेशलिस्ट कोरोना संक्रमित, संपर्क में आया 27 मेडिकल स्टाफ क्वारंटीन। तेलंगाना से झारखंड के लिए रांची पहुंचा 1200 मजदूरों का जत्था, रेलवे स्टेशन पर फूलों के साथ स्वागत। राजस्थान के कोटा से कोलकाता के हावड़ा पहुंचे स्टूडेंट, मेडिकल चेकअप के बाद घर भेजा गया। पंजाब के अमृतसर से ब्रिटेन के लिए रवाना हुए 271 NRI स्पेशल फ्लाइट से भेजा गया। चिरूटों पर चलाई जाएगी श्रमिक स्पेशल ट्रेन, कल तेलंगाना के लिंगमपल्ली से झारखंड के हटिया भेजी गई थी पहली श्रमिक स्पेशल। झारखंड के हटिया पहुंची विशेष ट्रेन, स्टेशन पर मजदूरों के स्वागत की भव्य तैयारी। महाराष्ट्र के चंद्रपुर रेलवे स्टेशन पर रुकी श्रमिक स्पेशल ट्रेन, मजदूरों को खाने और पीने की चीजें दी गई। मजदूरों की वापसी के लिए ट्रेन चलाए जाने का राज्यों ने किया स्वागत, पीएम मोदी को कहा शुक्रिया। कोटा से पुणे लाए गए 74 छात्र बसों के जरिए पहुंचे पुणे, 14 दिन सभी रहेंगे क्वारंटीन। रामबन में जम्मू कश्मीर हाईवे पर जबरदस्त ट्रैफिक जाम, लगातार दूसरे दिन लैंडस्लाइड की वजह से फंसी गाड़ियां। सीएम योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मजदूरों से की बात, समस्याओं के बारे में ली जानकारी। वापसी की मंजूरी मिलने के बाद सड़क पर निकले प्रवासी मजदूर, जयपुर में जगह जगह दिखा जत्था। सूरत में ट्रेन शुरू होने को लेकर स्टेशन पर शुरू हुई हलचल, प्लेटफॉर्म पर लगाए गए बैरिकेड, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बनाया निशान। पुणे में बारिश और तेज हवा के बीच नाके पर डटा दिखा पुलिसकर्मी, कोरोना वॉरियर का मेयर ने ट्वीट किया वीडियो। मध्य प्रदेश के इंदौर में भी पहुंचा छात्रों का जत्था, कोटा से 38 छात्रों को बस लेकर आई। दिल्ली में आप विधायक विशेष रवि में कोरोना संक्रमण, एमएलए का भाई भी पॉजिटिव। दिल्ली में सीआरपीएफ के 12 और जवान संक्रमित, 200 जवानों के रिपोर्ट का इंतजार। दिल्ली के आजादपुर मंडी में कोरोना संकट को देखते हुए 2 मेडिकल टीमें बनाई गई, अब तक कोरोना के 16 केस। दिल्ली के ओखला मंडी भी 2 दिन के लिए बंद, सैनिटाइजेशन के बाद खोली जाएंगे। कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में 3 मई को एयरक्राफ्ट से फूल बरसाएगी भारतीय वायुसेना, सीरियस जनरल बिपिन रावत ने दी जानकारी। पंजाब के लुधियाना में एक कार में जबरदस्त आग, देखते ही देखते 20 रात पर धुआं धुआं हुई गाड़ी।
निजामुद्दीन मरकज मामले की जांच कर रहे क्राइम ब्रांच के दो और पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव। कोटा से छात्रों को लाने के लिए दिल्ली से रवाना हुई बसें, मजदूरों की वापसी के लिए राज्यों से बातचीत जारी। बिहार के बच्चों को घर भेजेगी राजस्थान सरकार, ऑन पेमेंट बस की होगी व्यवस्था। देश में थम नहीं रहे कोरोना वॉरियर्स पर हमले, हैदराबाद में पुलिसकर्मी की पिटाई का वीडियो आया सामने। हैदराबाद में पुलिसकर्मी की पिटाई करने वाला शख्स ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम का बताया जा रहा कार्यकर्ता। महाराष्ट्र के नांदेड़ से पंजाब लौटे श्रद्धालुओं ने बढ़ाई अमरिंदर सरकार की टेंशन, अब तक 148 लोग संक्रमित। महाराष्ट्र में 3500 श्रद्धालुओं का जत्था लौटा है पंजाब, सूत्रों के मुताबिक कई लोग बिना स्क्रीनिंग के चले गए घर। कोरोना को लेकर केंद्र से फिर भिड़ी ममता बनर्जी, कहा राज्य में सिर्फ 4 रेड जोन, दिखाए गए 10। कोरोना संकट के दौरान बेंगलुरु के एक अस्पताल में लगा रोबोट, मरीजों के शुरुआती जांच की जिम्मेदारी। लखीमपुर खीरी में राज्य कर्मचारियों ने दिन में मोमबत्ती जलाकर किया प्रदर्शन, दिए बंद किए जाने पर जताया विरोध। सूरत में लॉकडाउन के बीच शुरू हुआ हीरो का कारोबार, हांगकांग भेजे गए 10 कंसाइनमेंट। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में स्वयं सेवकों ने पेश किया अनोखी मिसाल, कोरोना योद्धा सफाई कर्मचारियों के पैर धोकर उतारी आरती। अलवर में धूप में धरने पर बैठकर किया मजदूरों ने विरोध प्रदर्शन, 2 महीने से नहीं मिला वेतन। समस्तीपुर में पीएम मोदी के हमशक ने कोरोना को लेकर फैलाई जागरूकता, हाथी पर सवार होकर लोगों को दी जानकारी। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में मजदूरों का प्रदर्शन, बकाए वेतन की मांग को लेकर हल्ला बोल। पंजाब के फरीदकोट में पुलिस का अनोखा तरीका, लॉकडाउन तोड़ने वालों का फूल माले से कर रही स्वागत। मुरादाबाद में जमीनी विवाद में खूनी संघर्ष, 2 गुटों में फायरिंग, 1 की मौत। हिसार में पुलिस ने नष्ट की कच्ची शराब, 3 लोग गिरफ्तार, छापा मारने गई टीम पर हमला। दुनिया में अब तक कोरोना से 2,39,000 से ज्यादा मौत, 34 लाख के करीब बीमार। अमेरिका में जारी है कोरोना का कहर, मरने वालों की संख्या 65,000 के पार, बीमारी की तादाद भी 11 लाख के पार। इटली में भी नहीं थम रहा कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा, अब तक 28,000 से ज्यादा मौत। ब्रिटेन में 27,000 पार मरने वालों की संख्या, अब तक 2 लाख से ज्यादा बीमार। स्पेन में 24,000 से ज्यादा लोग गंवा चुके हैं जान, कोरोना के मरीज करीब 2.5 लाख।